गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूब वाइट मैंने लास्ट क्लास में क्यूब स्टार्ट किया था आज क्यूब वाइट के कुछ कोश क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे तो जल्दी से सेशंस पे आओ भाई अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा जल्दी से सेशंस पे आओ सिक्स फाइव वा, वॉचिंग हैं नेहा गौर वेरी गुड नेहा सॉरी हाँ नेहा गौर वेरी गुड मॉर्निंग नेहा कैसे हो आप जल्दी से रिस्पॉन्स दो भाई नेहा आप सबसे पहले आए हो बाकी लोग आज कहाँ हैं कुछ पता नहीं लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्यूब और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब वाइट के क्वेश्चंस तो जल्दी से सेशंस से पे आइए सब लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करो सेशंस पे आने के लिए इलेवन ओ हो चुके हैं लेकिन सब लोग लेट होते हैं तो प्लीज़ सेशंस को शेयर करें नया अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एट वॉचिंग है लेकिन अभी तक सिर्फ आपका रिस्पॉन्स आया है प्लीज़ शेयर करें गुनगन राठौर हेलो गुनगन कैसे हो आई एम गुड मैं भी अच्छा हूँ नया जल्दी से सेशंस पे आओ अपने फ्रेंड को शेयर करो भाई जय सिंह वेरी गुड मॉर्निंग जे एस अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए सेशंस पे आने के लिए मुझे पता है आप लोग आज लेट इसलिए हैं क्या क्योंकि दस बजे सलमान सर की क्लास नहीं हो पाई थी कुछ वजह से डैट्स वाई आप लोग लेट हैं नहीं तो आप लोग भी टाइम पे होते तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें सेशन्स पे आने के लिए फिर हम बढ़िया सर आप कैसे हो मैं भी बहुत बढ़िया गुंज गुनगुन बहुत बढ़िया जल्दी से सेशंस पे आओ मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा मंडे को मैक्सिमम लोग लेट होते हैं सर अब संडे सोच के <laughs> सो रहे हैं क्या हाँ ये बात सही कहा सब लोग संडे समझ के सो जाते हैं कोई बात नहीं मंडे को मैक्सिमम लोग लेट होते हैं कुछ लोग क्लास मिस भी कर देते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें सेशन पे आने के लिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं क्यूवाइट के क्वेश्चन जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करो भाई तो आप लोग का संडे कैसे बीता जल्दी से बताओ क्वेश्चन वगैरह लगाए थे घर पे या नहीं लगाए जी बज वेरी गुड मॉर्निंग सर इंग्लिश क्लास कब होगी जल्दी होगी एक्चुअली उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है वो कोरोना की वजह से दैट्स वाई ठीक है जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करो भाई जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करें बोरिंग सर क्या हुआ जीवज बोरिंग क्यों क्या हुआ ये बताइए अलीशा हेलो कैसे हो आप चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ जाएंगे हम स्टार्ट करते हैं ये हमारे सामने क्वेश्चन है जरा देखो मैंने डायग्राम बना के दे दिया है ठीक है अब देखिए क्यूबाइट की बात करें ध्यान दीजिएगा की बात करें तो यहां पे कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगा इस बात पे आपको ध्यान रखना है लेंथ अलग होगा ब्रेथ अलग होगा और हाइट अलग होगा अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है तो सिंपली हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है यहां पे लेंथ आपसे कहा गया कि आपसे लेंथ कितना है सिक्स सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर ब्रेथ और वन सेंटीमीटर हाइट है तो हमने क्या किया देखो यहां से यहां से जो लेंथ है ये कितने का है सिक्स सेंटीमीटर का ओके okay. ब्रेथ क्या है फोर और हाइट क्या हमारा वन ठीक है अब आपसे देखो यहां देखो ब्लॉक डिवाइडेड टू सिक्स इक्वल क्यूब्स वन सेंटीमीटर एंड फोर इक्वल साइड ठीक है तो हमने क्या किया फ्रॉम फोर सेंटीमीटर से तो हमने यहाँ से कट किया वन टू थ्री फोर फाइव तो सिक्स पार्ट में कट हो गया लॉकडाउन में हूँ इसलिए अच्छा कोई बात नहीं जीवज तो यहाँ देखिए ये आपका डायग्राम डायग्राम सबको क्लियर है यस या नो में आंसर दो जब भी आप क्यूबाइट क्योंकि क्यूबाइड में ध्यान दीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन के क्यूबाइट बनाओगे तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होता लेंथ अलग होता है ब्रेथ अलग होता है और हाइट अलग होती है तो यहाँ आपसे कहा गया है कि ब्लॉक इज डिवाइडेड टू सिक्स इक्वल क्यूब्स ऑफ वन सेंटीमीटर फ्रॉम सिक्स सेंटीमीटर जहाँ से सिक्स सेंटीमीटर है वहाँ से सिक्स वन सेंटीमीटर के छः क्यूब बनने चाहिए एंड फोर इक्वल क्यूब्स ऑफ वन सेंटीमीटर ऑफ फोर और यहाँ से चार तो हमने यहाँ पे पाँच बार कट किया और यहाँ पे तीन बार कट किया हमेशा जब भी आपसे कहा जाए कि सिक्स सेंटीमीटर में कट करना है वन सेंटीमीटर तो ध्यान दीजिएगा तो हम क्या करते हैं एन माइनस वन यानी सिक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव पार्ट में कट करेंगे तो वो सिक्स पार्ट में डिवाइड होगा इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा ठीक है अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा गया हाउ मेनी क्यूब्स ब्लैक कलर ऑन एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब विल बी फॉर्म आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसका कम से कम एक सतह रेड से दूसरा ग्रीन से और तीसरा ब्लैक से होगा बताओ कितने होंगे भाई जल्दी से आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताओ जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा भाई जल्दी से आंसर बताओ जीवा चलीशा जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा आपका आंसर आपसे कहा ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका एक सरफेस कम से कम एक रेड से ग्रीन से ब्लैक से होना चाहिए बाकी किसी और से हो सकता जल्दी से आंसर बताओ जल्दी से पेपर पेपर फर्स्ट 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 जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या आएगा आपका आंसर फोर फोर गुंजन गुनगुन राठौर का आया फोर ओके यहां देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कहा गया देखो हमने यहां पे क्या किया था हमेशा कॉर्नर ग्रीन ब्लैक एंड रेड तो तीन सरफेस नीचे वाला भी ग्रीन होगा कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कहा कम से कम एक सरफेस ग्रीन से होना चाहिए एक रेड से एक ब्लैक से तो हमेशा कॉर्नर कॉर्नर कितने भाई वन टू थ्री एंड फोर तो आपका आंसर क्या आएगा फोर्थ गौरी देवी वेरी गुड मॉर्निंग क्लियर है सबको यस एनो में आंसर दो हमेशा आपसे कहा गया कम से कम एक सतह रेड से ब्लैक से और ग्रीन से होना चाहिए तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कॉर्नर वाले को देखेंगे एक से ज्यादा आ सकता है कोई फर्क नहीं क्योंकि एटलीस्ट लिखा है अगर ओनली लिखा होता तो हमें सोचना होता ओके okay? शशि वेरी गुड मॉर्निंग चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं डायग्राम आपके सामने बना है और पहला सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म जल्दी से बताओ भाई कैसे इसको निकालेंगे ऐसे कितने क्यूब बनेंगे इसमें जल्दी से बताओ कितने क्यूब्स होंगे जल्दी से बताइए कितने क्यूब्स होंगे जल्दी से बताओ भाई कितने क्यूब्स होंगे जल्दी बताओ जल्दी से बताइए भाई कितने क्यूब्स होंगे जीवज का आंसर आया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ओके हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं आपसे स्मॉल क्यूब्स पूछा है तो क्या करेंगे सिंपली अभी बताया था लेंथ ब्रेथ और हाइट तो सिक्स इंटू फोर इंटू वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर आपका आंसर आएगा फोर्थ वन क्लियर है सबको यहाँ देखिए आपसे कहा गया हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव फोर साइड्स एंड टू नॉन कलर्ड साइड बताओ भाई कितने आएंगे ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके फोर साइड कलर होंगे और दो साइड ऐसे होंगे जो कलर्ड नहीं होंगे जल्दी से आंसर बताइए थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके चार साइड कलर्ड हैं यानी रंगे हुए हैं और दो ऐसे साइड्स हैं जो रंगे हुए नहीं हैं तो जल्दी से आंसर बताइए आज बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है रिप्लाई सर हाँ आई थिंक टेक्निकल इशू है शायद आई डोंट नो बट शायद नेट की प्रॉब्लम होगी जीवज का आंसर आया फोर ओके जीवज जल्दी से जीवज का आंसर आया फोर क्यूब्स हैं बाकी लोग आंसर दें सौम्या का भी आया फोर ओके बी नंबर ऑप्शन जल्दी से आंसर दो भाई अलीशा का भी फोर ओके वेरी गुड अलीशा गुनगुन -गुन का भी फोर ओके okay, जल्दी से आंसर दीजिए ससी का भी फोर ओके बढ़िया आपसे कहा गया फोर साइड तो फोर साइड की बात करें तो देखो यहां पे यहां पे ग्रीन है ब्लैक है रेड है और नीचे ग्रीन तो यहां पे कितने हैं एक क्यूब हो गया ऐसे हर एक कॉर्नर की बात करें आपका आंसर क्या आएगा फोर क्लियर है गुड हिमांसी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपसे कहा गया हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ध्यान दीजिएगा आपसे कहा गया हाउ मेनी क्यूब्स हैव ग्रीन कलर ऑन टू साइड्स दो सतह पे ग्रीन होने चाहिए एंड रेस्ट ऑफ फोर साइड हैविंग नो कलर ध्यान दीजिएगा यानी ऊपर कोई भी दो साइड ग्रीन होगा बाकी और कोई ब्लैंक होगा मतलब कंप्लीटली ब्लैंक होगा जीवच का आंसर आया एट ओके okay, जीवच सौम्या का बारह गुनगुन का बारह ओके okay. राज प्रसाद वेरी गुड मॉर्निंग ओके जल अलीशा का ट्वेल्व ओके okay. अलीशा देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान है बहुत ही आसान है देखो कैसे सॉल्व करेंगे आपसे कहा गया सिर्फ ग्रीन होना चाहिए बाकी और कोई कलर नहीं हो सकता तो हमने इस पूरे सरफेस को ध्यान दीजिएगा हमने ग्रीन से पेंट किया और नीचे वाले को ग्रीन से और बाकी साइड्स हैं तो बीच वाले को देखेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ जो क्यूब होगा क्योंकि एक ही लेयर है तो ऊपर और नीचे सिर्फ ग्रीन होगा तो कितने हो जाएंगे देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और आपका आंसर आएगा सी जिसका आंसर ट्वेल्व आ रहा था चेक करो सिर्फ जीवच और हिमांशी का आंसर एट आया बाकी आंसर ट्वेल्व आया है शशि का भी एट आया ओके okay. क्लियर है चेक कीजिए सबको क्लियर है क्योंकि ऊपर और नीचे की बात करें क्योंकि सारे साइड्स क्योंकि एक सेंटीमीटर का है तो ऊपर और नीचे हमने ग्रीन रखा है तो दोनों सतह क्या होंगे ग्रीन से पेंट होंगे और मीट का जो पार्ट होगा वो कंप्लीटली क्या होगा ब्लैंक होगा कहीं पे भी सेटेड नहीं होगा तो आपके आंसर्स क्या होंगे एट क्लियर है सबको यस या नो में आंसर दीजिए यस या नो ओके okay, चलो ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपसे कहा गया हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन कलर्ड आर रिमूव रिमूव्ड मतलब पूरे क्यूब्स में से ब्लैक और ग्रीन कलर वाले क्यूब्स को रिमूव किया जाए तो कितने क्यूब्स बचेंगे जल्दी से आंसर बताओ आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कितने क्यूब हैं यहां पे जहां से हम ब्लैक और ग्रीन क्यूब्स को रिमूव कर दें तो कितने क्यूब्स बचेंगे जल्दी से आंसर बताइए कितना आंसर आएगा ब्लैक और ग्रीन वाले को हमें हटाना है तो टोटल कितने बचेंगे ब्लैक और ग्रीन वाले को हटाना है ब्लैक और ग्रीन मतलब एक क्यूब ब्लैक से होगा एक उस वाले को हटाएंगे तो टोटल कितने बचेंगे जीवच का आंसर आया ट्वेल्व ओके जीवच जल्दी से आंसर बताओ भाई हिमांशी का आया सिक्सटीन ओके हिमांशी जल्दी से आंसर बताइए गुनगुन का गुनगुन राठौर का सिक्सटीन ओके गुनगुन जल्दी से आंसर दो तो भाई जल्दी सिक्सटीन बस तीनों लोगों का सौम्य का सी आया शशि का भी सिक्सटीन आया यहाँ देखिए सिंपली ब्लैक और ग्रीन तो यहाँ देखो ये यह ग्री मैं एक बार रिमूव करता हूँ यहाँ से चीज़ें थोड़ी से क्लियर करके समझाता हूँ यहां देखिए एक सरफेस ग्रीन से होना चाहिए एक ब्लैक से तो ब्लैक वाले तो ये हो गए और ये हो गया ग्रीन वाला तो ये चार हो गए और यहां पे भी तो सेम होगा चार एट तो टोटल ट्वेंटी फोर में से एट माइनस कर दो टोटल जो होंगे सिक्सटीन ऐसे क्यूब होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा फोर्थ वन क्लियर है देख लो सबको क्लियर है अलीसा का भी सिक्सटीन आया था वेरी गुड सबको क्लियर है येस से नो में आंसर तो जल्दी से जल्दी बताओ यस या नो जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा आपका आंसर क्लियर है चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपके सामने ये क्यूब बना है डायग्राम हमने बना दिया है तो जल्दी से बताओ हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स से आंसर बताइए क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद आपके आंसर्स आएंगे जीवज को नहीं समझ में आया क्या हुआ भाई जीवज बताओ क्या नहीं समझ में आया आपसे कहा गया कि हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन द क्यूब हैविंग ब्लैक और ग्रीन तो ब्लैक और ग्रीन वाले जहां जहां उसे हटा दो तो जो बच जाएगा वही आंसर आएगा मीट वाला यानी सारे चार साइड में और चार साइड वाले हट जाएंगे क्लियर है इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई जल्दी से सौम्या का सिक्सटीन आया ओके हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली टू फेस कलर सिर्फ दो फेस कलर होने चाहिए अलीशा का आंसर आया ट्वेल्व ओके okay. अलीशा जल्दी से आंसर बताइए बाकी लोग सिर्फ दो लोगों का आंसर आया है सौम्या और अलीशा का जीवच का आंसर आया ट्वेल्व ओके बाकी लोग आंसर दो भाई जल्दी से आंसर दो क्या आएगा आपका आंसर गुनगुन राठौर का ट्वेल्व और सौम्या का ट्वेल्व ऑप्शन ए ओके ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए बाकी लोग नेहा का भी ट्वेल्व आया ओके नेहा ट्वेल्व ओके शशि का भी ट्वेल्व आया वेरी गुड लेकिन आपसे क्वेश्चन कहा गया है ओनली टू फेस कलर तो टू फेस वाले यहां होंगे देखो वन टू थ्री फोर फोर इस साइड है तो फोर बैक में भी होगा एट ओके okay. अब देखो यहां पे सॉरी ऊपर नीचे और ये भी तो है वन टू सॉरी यहां देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इंटू टू ट्वेल्व और यहाँ पे कितने हैं वन टू थ्री और बैक में फोर टोटल क्या होगा सिक्सटीन आपका आंसर आएगा सी सर दो ऑप्शन ट्वेल्व अच्छा सॉरी कोई नहीं दो ऑप्शन ट्वेल्व में तो कोई वो ऑप्शन ही नहीं है हिमांशी का सिक आया सिक्सटीन और आंसर सिक्सटीन ही होगा क्योंकि यहाँ देखो टू फेस ये वाले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फ्रंट में और सिक्स बैक में तो टोटल कितने हो गए ट्वेल्व राइट साइड की बात करें तो वन टू और टू इस तरफ टोटल क्या आएगा सिक्सटीन और आपका आंसर आएगा सी नंबर सर ओनली हाँ हाँ ओनली का है ओनली टू फे टू वाले में तो बीच में होगा ना हाँ टू वाले बीच में ही तो लिया फिर से बताऊँ यहाँ देखो फिर से रिमूव कर रहा हूँ देखो ये जो क्यूब है यहां की बात करें ये एक क्यूब है जहां पे एक सरफेस रेड से दूसरा येलो से सेम रेड और येलो तो दो ही है ना तो दो यहां पे हो गए दो बॉटम में हो गए दो इस तरफ हो एक इस तरफ हो गया एक इस तरफ तो सिक्स फ्रंट में और सिक्स बैक में राइट right में आते हैं तो एक यहां पे और एक यहां पे दो और प्लस टू प्लस टू टोटल क्या हो गया सिक्सटीन क्लियर है सबको यस ए नो में आंसर तो सबको क्लियर है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसका आंसर जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा आपका आंसर जल्दी से हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव थ्री फेस कलर जल्दी से इसका आंसर बताया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव थ्री फेस कलर जल्दी से आंसर बताइए का आंसर आया एट ओके okay. अलीशा का भी एट आएगा थ्री फेस के लिए हमने आपको ऑलवेज बताया था हमेशा कॉर्नर को देखें कॉर्नर पे देखो यहाँ पे रेड ग्रीन और येलो तो हर कॉर्नर पे आएगा तो एक क्यूब में क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं एट और आपका आंसर क्या आएगा एट क्लियर है सबको ओके गुड सबको आई थिंक क्लियर है चलो बहुत अच्छी बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपसे कहा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेस ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका एक भी सरफेस पेंट नहीं है जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा आपका आंसर ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका एक भी सरफेस पेंट नहीं है ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका एक भी सरफेस पेंट नहीं है जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या आएगा आपका आंसर जीवज का आंसर आया है टू ओके जीवज बाकी लोग आंसर बताओ हिमांशी का भी आंसर टू आया ओके okay, गुड गुनगुन -गुन का भी टू आया गुड जल्दी से आंसर बताओ ऊपर वाले लेयर को हटाओ नीचे वाले लेयर को हटाओ तो सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करें ये वाला बीच में यही बचेगा वन टू और आपका आंसर क्या आएगा दो सौम्या का भी अलीशा का भी शशि का भी ओके गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही आ रहा है सबका आंसर गुड चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपसे क्वेश्चन कहा गया कि हाउ मेनी क्यूब्स है स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंट यहाँ देखो पूछा गया ओनली वन फेस सिर्फ एक फेस ओनली वन फेस तो वन फेस वाला आंसर बताओ जल्दी से सौम्या का आंसर आया टेन ओके okay, सौम्या जल्दी से जीवच का भी टन आया हिमांशी का भी टन आया पुष्पम कुमार वेरी गुड मॉर्निंग बहुत लेट हैं आप जो कि सबसे फर्स्ट आते थे आज बहुत लेट है नेहा का आया ट्वेल्व ओके नेहा जल्दी से गुनगुन -गुन का भी ट्वेल्व आया ओके जल्दी आंसर बताओ अलीशा का ट्वेल्व ओके गुड ओनली वन कहा गया है ध्यान दीजिएगा ओनली वन जल्दी से आंसर बताओ भाई जल्दी आंसर बताओ कुछ लोगों का ट्वेल्व आया है कुछ लोगों का टेन आया है जल्दी से पुष्प मंसर बताइए क्या आएगा आपका आंसर शशि का भी सिक्सटीन ट्वेल्व आया चलो ठीक है भाई यहां देखो आपसे कहा गया ओनली वन फेज तो ये वाला होगा वन टू टू यहाँ पे टू बैक में टू यहां देखो टॉप में टू और यहाँ पे वन एंड टू कितने हो गए देख लो भाई छह चार दस दो बारह आपका आंसर क्या आएगा बारह पुष्पम की तबियत खराब हो गई क्या हुआ पुष्पम अभी के टाइम में तबियत खराब होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया यहां देखो दो चार छ आठ सॉरी सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस सॉरी टेन आएगा आंसर हमने दो एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था टेन आएगा हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे हमने देखा क्योंकि यहाँ देखो फ्रंट और बैक में तो चार हो जाएंगे टॉप और बॉटम में चार हो जाएंगे और राइट और साइड में सिर्फ दो होंगे आपका आंसर आएगा टेन सर फोर्थ कहाँ से आएगा अरे वो गलत लिख दिया था भाई हमने गलत लिख दिया था आंसर टेन आएगा आंसर टेन आएगा मैंने ध्यान नहीं दिया था आंसर टेन आएगा वो एक्चुअली दो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था ठीक है चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई चेक करो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव थ्री फेस कलर्ट थ्री फेस कलर्ट जल्दी से आंसर बताइए भाई क्या आएगा आपका आंसर जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा आपका आंसर जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव थ्री फेस कलर्ड बताओ जल्दी से आंसर एट वेरी गुड क्योंकि हमेशा जब भी थ्री फेस कहा जाए हमेशा ध्यान दीजिएगा कॉर्नर्स को देखेंगे और एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होंगे आपका आंसर आएगा एट एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स एट ओके आई थिंक सबका आंसर एट आएगा क्योंकि हमेशा कॉर्नर को देखना है क्योंकि एक क्यूब है क्यूब वाइट की बात करें तो हमेशा एट कॉर्नर्स होते हैं और एट कॉर्नर पे हमेशा तीन सरफेस मर्ज होता है आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा एट गुड चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपसे कहा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन फेस बताओ भाई ओनली वन फेस कितना आएगा जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा आपका आंसर जल्दी आंसर बताओ भाई कितना आएगा सौम्या का आंसर आया ट्वेंटी टू ओके जल्दी से आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या आएगा जीवच का ट्वेंटी टू हिमांशी का ट्वेंटी टू ओके जल्दी से आंसर बताओ ट्वेंटी टू देखो हम यहाँ पे काउंट करते हैं अगर हम फ्रंट में बात करें तो वन एंड टू तो टू प्लस टू फ्रंट और बैक हो गया ठीक है राइट और लेफ्ट का था वन टू थ्री तो थ्री प्लस थ्री अब आते हैं टॉप बॉटम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स और सिक्स ट्वेल्व ठीक है तो यहां पे आंसर क्या आएगा ट्वेंटी टू और आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आई थिंक सबका सी आया था देखो क्लियर है सबको सौम्या का ट्वेंटी टू जीवच का ट्वेंटी टू हिमांशी का ट्वेंटी टू अलीशा का ट्वेंटी टू गुड बाकी लोग का आंसर भी आई थिंक ट्वेंटी टू आ रहा होगा देखो कुछ नहीं करना है जो दिख रहा है उसे काउंट कर लो मल्टीप्लाई बाय टू कर दो आपका आंसर क्योंकि जो थ्री साइड हैं वो हिडन होंगे जो थ्री साइड हैं वो आपके क्या होंगे हिडन होंगे क्लियर है ओके okay, चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां देखो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेस कलर जल्दी से आंसर बताओ ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसका कोई भी सरफेस पेंट नहीं है जल्दी से आंसर बताए हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंट ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका कोई भी सरफेस पेंट नहीं है जल्दी से आंसर बताओ जल्दी आंसर बताइए हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड कोई भी फेस कलर्ड नहीं है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो फेस कलर ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका कोई भी सरफेस पेंट जीवच का आंसर आया सिक्स सोलिशा का सिक्स हिमांशी का सिक्स गुड आप ऊपर वाले लेयर को काटोगे सिर्फ मिडिल वाला लेयर होगा और मिडिल में भी सिर्फ क्या होगा कॉर्न एन ए मिडिल वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स आपका आंसर क्या आएगा सिक्स गुड जीवज का आंसर अलीशा का सिक्स हिमांशी का सिक्स गुनगुन राठौर का सिक्स सौम्या का सिक्स गुड बहुत बढ़िया बाकी लोग देखो सबका सिक्स है ससी का भी सिक्स आया गुड चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कहा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव टू फेस कलर ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका दो फेस कलर है एक रेड से दूसरा ग्रीन से तो रेड और ग्रीन वाले और कुछ तो पूछा नहीं है भाई रेड और ग्रीन वाले जल्दी आंसर बताओ कितने आएंगे हाउ मेनी क्यूब्स आएगा ट्वेल्व अच्छा आंसर ट्वेल्व आ रहा है जीवच का ट्वेल्व हिमांसी का ट्वेल्व गुनगुन का ट्वेल्व ओके okay. एक अब देखो सीधी सी बात है यहां देखो ये रेड हो गया रेड हो गया रेड यानी टू ये ग्रीन 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 तो तीन यहां पे तीन नीचे और छः हो गए और सिक्स इंटू टू कर देंगे आंसर क्या आएगा ट्वेल्व आंसर क्या है ट्वेल्व क्लियर है सबको सबको क्लियर है यस या नो में आंसर दो भाई सबको क्लियर है यस या नो चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहां देखिए आपके सामने ऑल दस एक्सप्रे जल्दी से आंसर बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताए द अपर फेस इज जल्दी से आंसर बताइए जल्दी आंसर बताओ क्या आएगा आपका आंसर जल्दी आंसर बताइए क्या आएगा फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा आपका आंसर जल्दी से आंसर बताइए जल्दी बताओ भाई क्या रहा है आपका आंसर बलविंदर का आंसर आएगा ब्लैक ओके हाउ कैन डिसाइड कि ब्लैक आएगा बलविंदर हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बलविंदर ब्लैक ही आएगा जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या आएगा आपका आंसर ब्लैक ब्लैक ओके अलीशा का भी ब्लैक आया चलो ठीक है भाई बाकी लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा आपका आंसर जल्दी से आंसर बताओ सर रेड इज द बॉटम एंड ब्लैक इज द अपोजिट टू रेड हाउ कैन डिसाइड कि र... अच्छा चलो बढ़िया सही कहा क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि रेड क्या है बॉटम में अगर रेड को यहां रखें तो यहां क्या आएगा बॉटम ब्लैक आंसर इज बी इज राइट ओके चलो भाई सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं द फेस अपोजिट टू ब्राउन बताओ भाई क्या आएगा आपका आंसर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताएं सेकेंड का आंसर क्या आएगा आपसे कहा गया है कि द फेस अपोजिट टू ब्राउन ब्राउन का अपोजिट क्या आएगा ब्राउन का अपोजिट हिमांशी का बी सॉरी हिमांशी का वाइट आया है चलो ठीक है गुनगुन -गुन का भी वाइट आया है बाकी लोग आंसर दें जल्दी से आंसर दो भाई ग्रीन अलीशा का ग्रीन आया ओके अलीशा सौम्या का सी ग्रीन ओके अब देखिए मैं एक चीज आपको यहां पे बताता हूं कि देखो टॉप आपसे कहा गया कि रेड अपोजिट है ब्लैक का तो रेड को तो ये दोनों फिक्स हो गए अब कहा गया ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक तो कहीं भी रख सकते हैं चलो हमने ग्रीन को यहां मान लिया ग्रीन को हमने कहा मान लिया यहां मान लिया ओके okay. अगर हमने ग्रीन को मान लिया बैक में तो हमारे सामने क्या बचा है फ्रंट राइट एंड लेफ्ट यही बचा हमारे सामने अब आपसे स्टेटमेंट में कहा गया ध्यान दीजिएगा अब आपसे स्टेटमेंट क्या ब्लू इज एडज टू द व्हाइट एंड ब्राउन फेसेस इज टू द ब्लू ठीक है ब्लू के एडजेसेंट में ब्राउन है तो हमने मान लो अगर हमने यहां पे क्या ले लिया ब्राउन तो यहां क्या हो गया ब्लू और यहां क्या हो गया वाइट क्लियर क्योंकि ब्लू और ब्राउन एडजेसेंट है ना एक साथ आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया ब्राउन का अपोजिट क्या होगा व्हाइट तो आपका ऑप्शन क्या आएगा बी वाइट आएगा किसी भी साइड ले लो हम किसी भी साइड ले लेंगे तो ब्राउन और ब्लू जब एडजेसेंट होंगे तो अपोजिट में ऑलवेज क्या आएगा वाइट ही आएगा जीव सी कैसे आ रहा है चेक करो चलो हम यहां देखते हैं एक बार फिर से मैं इसको समझा रहा हूं यहाँ देखो ये हमारा क्या था ब्लैक ये हमारा क्या है रेड यहाँ हमने क्या रख दिया ग्रीन तो हमारे सामने तीन सरफेस थे मान लो अगर हमने ब्राउन को यहाँ रखा तो ब्लू फ्रंट में आएगा और क्या होगा वाइट तो ब्राउन का अपोजिट क्या होगा वाइट विच ऑफ द फॉलिंग एडजस्टेंट टू द ग्रीन ग्रीन के एडजेंट में बताओ कौन कौन सा कलर आएगा तो ग्रीन के एडजसेंट में क्या आएगा रेड आएगा भाई वाइट आएगा ब्लैक आएगा और ब्राउन आएगा देखो किसमें है रेड वाइट ब्लैक यहां देखो ब्लैक है व्हाइट है ब्राउन है रेड है ऑप्शन नंबर ए सौम्या क्या दिक्कत हो रही है बताओ भाई क्या देखो अब अगर हमने देखो यहां सौम्या यहां ध्यान दीजिएगा अगर टॉप और बॉटम को हमने रेड और ब्लैक से फिक्स किया और ग्रीन को हमने बैक में रखा तो हमारे सामने तीन सरफेस हैं। कहा गया ब्लू और ब्राउन एडजेसेंट है और व्हाइट और ब्लू एडजेसेंट है तो अगर हमने ब्लू को यहां रखा तो ब्राउन यहां पे आएगा और व्हाइट यहां पे आएगा तो अल्टीमेटली ब्राउन का अपोजिट व्हाइट ही होगा सर ऑप्शन फोर ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू हां एडजेसेंट है नॉट अपोजिट इसीलिए तो हमने ब्लू को ध्यान दीजिएगा ब्लू को अगर फ्रंट में रखा तो एक साइड ब्राउन होगा और एक साइड व्हाइट होगा ध्यान दीजिएगा ठीक है तो अल्टीमेटली ब्राउन का अपोजिट जब भी रखेंगे तो वाइट ही होगा गुनगुन का आंसर फर्स्ट आया चलो ठीक है शशि का भी फर्स्ट आया है बढ़िया थर्ड का आंसर सबका फर्स्ट आ रहा है ठीक है ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ आते हैं देखिए आपसे कहा गया विच फेस इज अपोजिट टू द ग्रीन ग्रीन का अपोजिट क्या होगा ग्रीन का अपोजिट क्या होगा जल्दी से आंसर इसका बताओ भाई फोर्थ का आंसर क्या आएगा ग्रीन का आंसर क्या आया जल्दी से आंसर बताइए ग्रीन का आंसर क्या आया ब्लू सही कहा ग्रीन का आंसर क्या आएगा ब्लू बढ़िया क्योंकि हमने यहां पर बना रखा ग्रीन का अपोजिट क्या आएगा आंसर सी आंसर क्या आएगा थर्ड ब्लू आएगा आंसर बहुत बढ़िया सबका आंसर सी आया गुड चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से इसका आंसर बताओ ए बिग क्यूब इज कट इनटू टू हंड्रेड सिक्सटीन स्मॉलर क्यूब ऑफ इक्वल साइड साइड ऑफ इज स्मॉलर क्यूब्स इज एट सेंटीमीटर ट व साइड ऑफ बिगर क्यूब्स जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या आएगा आपका आंसर ए बिग क्यूब इज कट इन टू दोन स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइड साइड ऑफ इच स्माल एट सेंटीमीटर वाट साइड व्हाट वॉज द साइड ऑफ द बिगर क्यूब्स जल्दी से आंसर बताओ कावी टाइम से दुर्गा रजक नहीं दिखाई दे रहे हैं जल्दी से आंसर इसका बताइए एक बड़े क्यूब को 216 क्यूब में कट किया गया है ठीक है और स्मॉलर साइड का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है तो बताओ बड़े क्यूब का लेंथ कितना होगा जल्दी से आंसर बताइए जीवच का आंसर है 36। ओके okay, जीवच जल्दी आंसर बताओ भाई क्या आएगा आपका आंसर चलो यहां देखो 216 सो का मतलब क्या होगा भाई ये सेक्स का क्यूब होता है ध्यान दीजिएगा ये आपका सेक्स का क्यूब होगा ठीक है हर जो है तो सिक्स का क्यूब का मतलब ये क्या होता है एन टू पावर थ्री यही होगा ना हाँ ध्यान दीजिएगा एन टू पावर थ्री आपका यही आएगा अब यहां पे हर लेंथ की बात करें ध्यान दीजिएगा तो सिक्स क्यूब है तो हर का लेंथ एट 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 और एट आएगा तो एट इंटू सिक्स इक्वल टू फोर्टी एट सिक्स क्यूब है सिंपल सी बात है एन टू पावर सिक्स एन टू पावर थ्री करें दो सौ सो सोलह यानी टोटल सिक्स क्यूब बने होंगे हर का लेंथ एट सेंट एट सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय एट कर देंगे टोटल जो बिगर बिगर क्यूब का जो लेंथ आएगा वो फोर्ट फोर्टी एट सेंटीमीटर का होगा सबको क्लियर है चलो नेक्स्ट सबको क्लियर है ना यस या नो में आंसर दो जल्दी से चलो ठीक है भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब आपको बताना है बिग क्यूब्स इज इज कट इन टू थ्री फोर थ्री स्मॉलर क्यूब्स ऑफ सेम साइड इफ़ द साइड ऑफ द बिगर क्यूब्स इज ट्वेंटी वन सेंटीमीटर देन वाट द साइड ऑफ इच्स स्मॉलर क्यूब्स आपसे कहा गया बड़े क्यूब को थ्री फोर थ्री तीन सौ तैतालीस स्मॉलर क्यूब छोटे क्यूब में कट किया गया ठीक है और बिगर क्यूब का जो साइड है वो ट्वेंटी वन सेंटीमीटर का है तो बताएं छोटे छोटे क्यूब का लेंथ क्या होगा अलीशा का आंसर आया थ्री गुड यहां देखो सिंपली थ्री फोर थ्री का मतलब क्या होगा सेवन का क्यूब बना होगा यानी सेवन क्यूब होगा और एक का लेंथ कितना है टोटल ट्वेंटी वन तो सेवन से डिवाइड किए तो हर का लेंथ क्या होगा थ्री सेंटीमीटर और आपका आंसर आएगा थ्री सेंटीमीटर गुड सबको क्लियर है गुड सबका आंसर थ्री आ रहा है वेरी गुड चलो आज हम यही ओवर कर रहे हैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा फिर से रिपीट कर रहा हूं 29 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज़ उसमें आप इन करें अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ठीक है चलो आज हम यहीं ओवर कर रहे हैं ओके थैंक यू